फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वेलकम टू एके लर्निंग। और लास्ट हमारी हिंदी की क्लास जो थी उसमें हमने संधि के बारे में कुछ जाना था, संधि हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने हमारे जो है हमने जिसमें से विसर्ग संधि करी थी, सॉरी विसर्ग संधि हमने समझी थी लास्ट क्लास में अपने, और यहाँ से हमने दीर्घ संधि समझी थी। अब ये जो हमारे बाकी के चार पार्ट है संधि के, जो स्वर संधि के पार्ट है, हम उनको समझेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, समझते हैं एक एक करके। आपका यण संधि, यण संधि क्या होती है? जब आप इसका संधि विच्छेद करते हो तो इसमें जो है ना य, र, ल और व, यानी कि इसको हम बोलते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। ये जो य, र, ल, व है, इनको हम बोलते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। ठीक है, तो जब आप संधि विच्छेद करोगे तो इन शब्दों का, इन वर्णों का निर्माण होगा। देखो, जैसे ये बना प्रति प्लस अक्ष, ठीक है, इधर से आएगा मेरा ई और इधर से क्या आएगा, ए आएगा, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे आपके, ये बन गया य वर्ण, यानी कि अंत्यस्थ व्यंजन। तो इसलिए ये क्या है, यण संधि का एग्जांपल है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो सेम तरीके से ये इत्यादि, इसका अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, ये इति प्लस आदि। तो यहां से आपका क्या आएगा, यहां से भी आपका ई आएगा और यहां से आपका ए आएगा। हा, ये क्या बनेगा, या, ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका अंत्यस्थ व्यंजन हो गया। ठीक है, ये तो ये क्या है, ये हमारे यण संधि का एग्जांपल है, जिसमें हम वर्ण जो है क्या बनेंगे, य, र, ल, व, जब आप उनका संधि विच्छेद करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। होपफुली इतना आपको क्लियर होगा। देखो अब ये जो है, ये यण संधि का ही एग्जांपल है, इसका हम क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं ना, इसका बनेगा आपका अति प्लस आचार। तो इधर से आपका, इधर से तो आपका ई आ जाएगा, ठीक है, और इधर से आपका आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, क्या अति का ये या में चेंज हो गया, तो ये यहाँ पे या आ गया, अत्याचार बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रत्याहार, ये भी सेम तरीके से बनेगा, ये आपका बनेगा प्रति प्लस आहार, यहां से आपका ई आ जाएगा और इधर से आपका आ जाएगा, इधर से ई आ जाएगा और इधर से आ जाएगा, तो ये क्या बनाएगा आपका, या बना देगा। ये क्या हुआ आपका, यण संधि का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट है प्रत्युत्तर, ये क्या बनेगा, प्रति प्लस उत्तर। होपफुली इतनी बात आपको क्लियर होगी, यहां से भी क्या आएगा, यहां से आपका ई आ जाएगा और इधर से भी ऊ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा। नेक्स्ट है पितृआज्ञा, ये क्या बन जाएगा आपका, पितृ प्लस आज्ञा, इस तरीके से इसका संधि विच्छेद होगा, पितृआज्ञा का, स्वागत का आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, सु प्लस आगत। ठीक है, जब आप इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे, जब आप इनका विच्छेद करेंगे, ये जो ये पहला वर्ण है ऊ और आ, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, वा, इधर से ऊ आएगा और आपका इधर से क्या आएगा, आए बन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये वा बन जाएगा, जो कि क्या है आपका, ये अंत्यस्थ व्यंजन, ये रे ले वे जो हमने चार बात करी है ना, ये जो हमने चार अंत्यस्थ व्यंजन समझे, ये य, र, ल और व, अगर आपको ये दिखते हैं शब्द, उसके वो है हमारे जो शब्द हैं उनके बीचों बीच अगर आपको ये दिखते हैं, है ना, और उससे पहले कोई अगर आपको आधा व्यंजन भी दिख जाता है तो आप क्या समझेंगे, वो यण संधि का एग्जांपल है। ठीक है, होपफुली आपको यण संधि क्लियर होगी, बाकी इसका जब हम प्रैक्टिस सेशन अभी करेंगे, है ना, तो उसमें आपको एग्जांपल्स के थ्रू और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मे बी संडे को आपका जो है इसका प्रैक्टिस सेशन रखें हम। नेक्स्ट आपकी गुण संधि, गुण संधि में देखो क्या होता है, गुण संधि में जब आप दो वर्णों को मिलाते हो, जब संधि विच्छेद करके, तो ए ओ या फिर आर में से कोई एक वर्ण बनेगा। ठीक है, जैसे
आपका ए और ई मिलके क्या बनेगा, ए बनेगा। ए और उ मिलके क्या बनेगा, ओ बनेगा। है और री मिलके क्या बनेगा, अर बनेगा। ठीक है, जैसे देखो नरेंद्र है, नरेंद्र का यहाँ पे हमने संधि विच्छेद करा तो यहाँ से क्या आएगा, रे में से क्या आएगा आपका, जैसे हमने ये बात करी थी ना रे, तो रे में से आपका ये ए आएगा, यहां से ए आ जाएगा है ना, और इधर से ई आ जाएगा ई, तो क्या बन जाएगा ये आई। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये वाला वर्ण बना है ना, तो ये क्या हुआ, गुण संधि का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट परोपकार, परोपकार में भी यहां से रे में से क्या आ जाएगा, रे में से क्या आएगा हमारा ए आ जाएगा, और इधर से क्या आ जाएगा ऊ। ठीक है, और ए और ऊ को मिलके क्या बनेगा, देखो इधर से ए आ जाएगा, इधर से क्या बन जाएगा ऊ, तो इधर ये क्या बन जाएगा ओ। ठीक है, होपफुली इतनी बात आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं, तो ये क्या है, ये हमारे गुण संधि का एग्जाम्पल है, जहां पे आपका ए ओ और आर बने। ठीक है, या फिर इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, आपको जहां पे सिंगल मात्रा मिल जाए है ना, या ए और ओ की मात्रा जहां पे आपको मिल जाए, वो क्या है आपका यण संधि, गुण संधि का एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, देखो जैसे नरेंद्र में ए की मात्रा है, गुण संधि आपकी, परोपकार में भी देखो ओ की मात्रा है ना, ये वाली ओ की मात्रा, तो क्या है ये आपकी गुण संधि है। आगे चलते हैं, देखो अरुणोदय में अगर आप नोटिस करोगे ना, ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे देखो ओ की मात्रा है ना, गुण संधि हो गई, यहाँ भी ओ की मात्रा, यहाँ पे भी ओ की मात्रा है, यहाँ भी, यहाँ पे तो नहीं है देखते हैं। देखो अरुणोदय का हम करते हैं संधि विच्छेद, ये क्या बनेगा आपका अरुण प्लस उदय। ठीक है, महोत्सव का क्या बनेगा, महा प्लस उत्सव। सूर्योदय का क्या बनेगा आपका, सूर्य प्लस उदय। सप्तर्षि का क्या बनेगा, सप प्लस ऋषि। सप प्लस ऋषि, यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे अर बन रहा है ना, तय का क्या आएगा, यहां से आपका ए आ जाएगा। देखो यहां पे, यहां से तय का आपका क्या आ जाएगा, ए आएगा। तय का ए कैसे आएगा, जैसे ये होता है ना तय, ये शुद्ध व्यंजन से मिलके बना होता है, तो तय का क्या आएगा हमारा ए है ना, ए आ जाएगा, प्लस इधर से री का क्या आ जाएगा, रे है ना, आधा रे, तो ये क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। और अभी हमने समझा था अर, देखो अर बताना भूल गया था, ये देखो अर भी बनता है। ठीक है, ये रहा अर, तो आपका क्या बनेगा गुण संधि में, या तो ए की मात्रा, या तो ओ की मात्रा, या अर बने वर्णों के मेल से। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका गुण संधि का एग्जाम्पल होगा। सप्तर्षि हमने समझा भी क्या, सप प्लस ऋषि, और गणेश का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा आपका गण प्लस ईस। ठीक है, ये बनेगा सप प्लस ऋषि, ये क्या बनेगा आपका सूर्य प्लस, ये क्या बनेगा आपका महा प्लस सब, ये क्या बनेगा आपका अरुण प्लस उदय। ठीक आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा वृद्धि संधि। देखो आपको होपफुली ये यण संधि और गुण संधि समझ में आई होगी। देखो जो यण संधि होती है उसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपके ये रे व्यंजन में से बनेंगे। ठीक है, या फिर शॉर्टकट में क्या रहेगा आपका, जहां पे आपको जो शब्द है उसके बीच में य रे लय दिख जाए, और उससे पहले कोई आधा व्यंजन दिख जाए। ठीक है, कोई आधा व्यंजन दिख जाए, जैसे ये देखो तय, तय क्या है व्यंजन है, बट ये आधा है, तो ये हमारा यण संधि का एग्जाम्पल है। इत्यादि में यह है, उससे पहले आधा व्यंजन है तय। ठीक है, तो ये क्या हमारा यण संधि का एग्जाम्पल है। तो
कट जो होते हैं वो बहुत काम आते हैं आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करवाने में, ठीक है? इसलिए आपको इनको अच्छे से समझना होगा। अब देखो वृद्धि संधि समझते हैं। गुण संधि में क्या होता था, एक सिंगल मात्रा होती थी, बट यहाँ पे क्या होगा, ये डबल वाली मात्रा होगी, है ना, डबल वाली मात्रा। वहां पे ए की मात्रा होती थी, यहाँ पे आई की मात्रा है, ठीक है, और यहाँ पे औ की मात्रा है, डबल मात्रा है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे डबल मात्रा है, सदैव में डबल मात्रा है, आपकी वृद्धि संधि हो गई, डबल मात्रा है वृद्धि संधि है, डबल मात्रा है वृद्धि संधि है, ठीक है। इसका संधि विच्छेद करते हैं, सदा प्लस एव, ठीक है, मत एक के, मत प्लस एक, महौज का क्या होगा, महा प्लस ओज, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये जहां पे आपको डबल मात्रा दिख जाए, ये जहां पर आपको जो है डबल मात्रा मिल जाए, वो क्या होगा आपका, वृद्धि संधि का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारा लास्ट है, देखो ये अयादि संधि, अयादि संधि ये स्वर संधि का लास्ट पार्ट है, अयादि संधि, है ना। ये थोड़ा अजीब सा है संधि, मतलब इसमें क्या होता है, देखो ये शब्द तीन वर्णों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे आप ये देखो एग्जाम्पल रखे हैं आपके सामने, तो ये सारे तीन तीन वर्ड्स के हैं, ठीक है, तीन तीन वर्णों के हैं। संधि करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, जैसे हम पिछली वाली जो हमारी बाकी की संधि थी उनका अगर हम विच्छेद करेंगे तो उनका अर्थ निकलता है, लेकिन यहाँ पे कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। शब्दों के आरंभ में आए, आए, अव, आव इस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे आपका नयन है, ठीक है, आपका नयन है, आय आया है ना, चयन, गयन, शयन, नायक, गायक, नायक, नायिका, है ना, पवन, हवन, भवन, धवन, कवक, ये क्या है, ये आपके अयादि संधि के, ठीक है। यहां से अयादि का आय, आय वाली साउंड आई थी, ठीक है, आय, आय, आओ, आओ, इस तरीके से आओगा, पवन, पावक, सावन, धावक, नाविक, ये क्या है, ये आपके आयादि संधि की एग्जाम्पल है, ठीक है। होपफुली आपको इतनी बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं, देखो आगे हमारा व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में मैंने क्या बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में, संधि की जो थी हमने देखा था कि व्यंजन संधि में जब हम संधि विच्छेद करेंगे, या तो दोनों ही वर्ण स्वर, सॉरी, या तो दोनों ही वर्ण व्यंजन होंगे, या तो एक स्वर होगा और एक व्यंजन होगा, ठीक है। समझते हैं इसको, व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल, ठीक है, कैसे मेल कैसे होगा, देखो सम्मान का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका सत प्लस मान, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, तय आ जाएगा। अब देखो यहां से मैं एन ही लूंगा, क्यों, क्योंकि ये आधा व्यंजन है और ये शुद्ध व्यंजन है, ठीक है, तो यहां से तय आ जाएगा, और इधर से क्या आ जाएगा, मैं। अब देखो ये क्या है, तय भी आपका व्यंजन है और मैं भी आपका व्यंजन है, तो ये क्या होगा, इसलिए ये आपका व्यंजन संधि का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई, आगे चलते हैं, अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं व्यंजन संधि के। बाकी संडे को हम जो है इसका प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, ठीक है, तो वहां पे हम जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी ये चीजें, वहां पे आपको जो है मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच लगवाएंगे, वो भी समझ आ जाएगा आपको। ये देखो उच्चारण, उच्चारण का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, उत, है ना, उत प्लस चारण, ठीक है। अगर मैं अभिषेक का करूं संधि विच्छेद तो क्या बनेगा, अभी प्लस सेक, ठीक है। सज्जन का क्या बनेगा, सत प्लस जन। संसार का क्या बनेगा, सम प्लस सार। संवाद का क्या बनेगा, सम प्लस वाद, ठीक है। यहां से आपको एक बात समझ में आएगी क्या, सकते हैं प्लस चारण, यहां से देखो आपका तय आ जाएगा और यहां से चय, तो तय और चय दोनों ही आपके क्या है,
व्यंजन है, इसलिए क्या होगा आपका व्यंजन संधि का एग्जाम्पल होगा। अभिषेक में देखो, अभी प्लस शेक, ठीक है, तो यहां से देखो आपका अभी से ई आ जाएगा और ये क्या है स, तो ई और स दोनों ही व्यंजन है, तो ये क्या होगा आपका व्यंजन संधि का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट हमारा सज्जन, सत प्लस जन, त आ जाएगा और इधर से ज आ जाएगा, तो क्या है दोनों ही व्यंजन है, इसलिए आपके व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो गया। संसार में देखो, सम प्लस सार, इधर से मैं आ गया और इधर से स आ गया, तो ये क्या है आपका व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा संवाद, सम प्लस वाद, ठीक है, इधर से मैं और इधर से वह, तो क्या है ये दोनों ही व्यंजन थे, तो इसलिए क्या हुआ ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, होपफुली आपको ये जो मैंने संधि समझाई है ना आपको क्लियर हुई होंगी, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको और ज्यादा समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो आप दोबारा से देख सकते हैं ना, और फर्स्ट वाली वीडियो के साथ देखेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, हमने समझा यण संधि, यण संधि में हमने क्या समझा था कि यर एल एव जब हम विच्छेद करते हैं तो ये वाले व्यंजन हमें मिलेंगे। उसके बाद हमने गुण संधि में देखा, गुण संधि में जो एक मात्रा होती है, जो सिंगल मात्रा होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एक ही मात्रा है, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, ये सिंगल मात्रा है गुण संधि, ये क्या है सिंगल मात्रा है ना, ओ वाली ए ओ आर जहाँ पे बनता है वो क्या होगा आपका गुण संधि का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, इसमें भी देखो यहाँ पे अरुणोदय में आपकी ओ की मात्रा है ना, ओ बन रहा है तो गुण संधि हो गई, यहाँ पे भी ओ बन रहा है, ओ बन रहा है ना, और यहाँ पे आपका आर बनेगा, यहाँ पे ए बन रहा है, ठीक है, तो ये क्या है आपके गुण संधि के एग्जाम्पल है। वृद्धि संधि में हमने समझा ए और औ की मात्रा मिलती है, ठीक है, यहाँ पे देखो ए की मात्रा बन रही है ना, ए की मात्रा बन रही है, ए की मात्रा बन रही है, क्या बन रही है ए की मात्रा जो बन रही है, ये क्या है वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे चलते हैं, अयादि संधि में हमने समझा तीन वर्णों के जो है शब्द होते हैं, और आय आय आव आव है ना, ये एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट था हमारा व्यंजन संधि, जब दोनों जो जब हम संधि का विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, या तो स्वर प्लस व्यंजन होगा या तो फिर दोनों ही व्यंजन होंगे। ठीक है, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना, पसंद आई होगी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर ही सकते हैं। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।